हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक ही बेस से तीन तरह की आइसक्रीम। और इसको बनाने के लिए मैंने इसमें ना कंडेंस मिल्क मिलाया है और ना ही क्रीम मलाई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइसक्रीम बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बेस बनाएंगे जिससे हम सारी आइसक्रीमों को बना सकें। इसके लिए मैंने 2 लीटर दूध लिया है फुल क्रीम। अब मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया है। अब हम इसको इसी तरह पकाते हुए गाढ़ा कर लेंगे। मैं इसको सिर्फ दूध का बनाऊंगी, आप चाहें तो इसमें कॉर्न फ्लोर का घोल डाल सकते हैं जिससे ये जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी मैंने इसमें 5-6 चम्मच डाल दी है, आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें चीनी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए, ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और ये गाढ़ा भी हो गया है। तो अब हम इसको एक डब्बे में डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से बंद करके फ्रीजर में जमने के लिए रख देंगे। तो इसको मैंने 5 से 6 घंटे के लिए जमने के लिए रखा था, तो अभी ये पूरी तरह से जमा नहीं है। तो अब हम इसको मिक्सी के जार में डालेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे जिससे ये एकदम स्मूथ हो जाए। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है और ये एकदम स्मूथ हो गया है। अब हम इसको उसी डब्बे में डाल देंगे। तो हम इसमें से 2 तरह की आइसक्रीम बनाएंगे। तो हम एक कटोरी में इसको निकाल लेंगे। अब हम ये चॉकलेट आइसक्रीम बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने इसमें चॉकलेट सिरप डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें कोको पाउडर या चॉकलेट मिल करके डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैंने थोड़ी सी चॉकलेट ली है और इसको इसी तरह से कट करके हम आइसक्रीम में डाल देंगे ऊपर से, जिससे ये और भी टेस्टी आइसक्रीम बनके तैयार हो जाए। तो ये देखिए, मैंने इसमें चॉकलेट कट करके डाल दिया है। अब हम इसको फॉइल पेपर से अच्छी तरह से कवर कर देंगे और इसको फ्रीज़र में जमने के लिए रख देंगे। और इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स पीस के रखे थे और उसी को मैंने डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें कट करके ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो अब हम इसको मिक्स करके उसी तरह से इसको अच्छी तरह से पैक कर देंगे फॉइल पेपर से, जिससे इसमें हवा ना जाने पाए। तो इसको इसी तरह से पैक करके फ्रीज़र में रात भर के लिए जमने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए, ये आइसक्रीम अच्छी तरह से जम गई है। मैंने इसको 5 मिनट पहले ही निकाल के बाहर रख दिया था। तो ये दोनों आइसक्रीम अच्छे से जम गई हैं। अब हम इनको एक कटोरी में निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितनी टेस्टी आइसक्रीम बनके तैयार हुई है। ऊपर से मैंने इसमें कुछ स्प्रिंकल्स डाल दिए हैं। अब हम इसी तरह से एक कटोरी में और निकालेंगे और उसमें मैंने टूटी फूटी डाल दिया है। अब आप देख सकते हैं ये 3 तरह की आइसक्रीम बनके तैयार हुई है, चॉकलेट और टूटी फूटी और एक सादी आइसक्रीम बनके तैयार हुई है। तो आप देख सकते हैं ये आइसक्रीम कितने आसान तरीके से बनके तैयार हो गई है। इसमें ना कंडेंस मिल्क है, ना क्रीम है, ना मलाई है और ये आसान तरीके से बनके तैयार हो गई है। ये आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, आप एक बार इसको ज़रूर बनाइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।